जीत से कोशिश की गई है, बिल्कुल कोशिश सही की है। हाँ है ना, मेरी बात तो बात नहीं, मेरी बात का ही हिंदुस्तान है। मैंने आपको बोला इस्लामोफोबिया, वो असुरक्षा की भावना, वो असुरक्षा। आडवाणी जी कहाँ हैं? आपके मुरली मनोहर जोशी कौन से कमरे में बंद हैं? आपके किसान आपके नेता थे ना। मीडिया में रोजाना अलग अलग चैनलों पर किसी न किसी मुद्दे पर डिबेट होती है और गोदी मीडिया की डिबेट में ज्यादातर सवाल विपक्षी नेताओं से होते दिखाई देते हैं। आज की वीडियो में बात उन डिबेट्स की करेंगे जिनमें भाजपा नेताओं को विपक्षी नेताओं ने करारा जवाब दिया। न्यूज 18 पर कश्मीर के मुद्दे पर हुई डिबेट में संबित ने अपने जवाब में विपक्ष पर टिप्पणी की तो डिबेट में मौजूद गेस्ट शोएब जमाई ने संबित पात्रा को घेर लिया, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मुझे तकलीफ इस बात की है कि फिरदौस जी को और यहाँ जो शोएब जमाई बैठे हैं, इन दोनों को खिलाती तो हिंदुस्तान है, मगर फिर भी ये इसी प्रकार दुखी रहते हैं। ये खाते हमारे टैक्स पेयर के पैसे से हैं, नौकरी करते हैं हमारे टैक्स पेयर के पैसे से, मगर खाते पाकिस्तान। हमारा नाम लेने की कोशिश कैसे की आपने? नहीं नहीं, आपने कैसे यहाँ से ये अपना परसेप्शन बनाया? जी आपके बाप का ही भैया, बिल्कुल कोशिश सही की है। हाँ है ना, मेरी बात तो बात नहीं, मेरी बात का ही हिंदुस्तान है, बाबर का तो नहीं है, मेरे बाप का ही है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पिताजी का हिंदुस्तान है, बाबर का नहीं है, ये बात तो काम हो गया। खून भी इतना ही शामिल है मिट्टी में जितना तुम्हारा। आपके बाप का हिंदुस्तान है तो ताली मत बजाइए ना पाकिस्तान के लिए। गद्दारों के कौम के, अरे भैया बाबर के, बाबर अरे भैया बाबर के साले जान, यहाँ पर चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात कर, तो बड़ा ये जाके बाबर के आजादी में बाबर, अरे गोडसे की नाजायज भाषण कर रहे हैं, वो लोग यहाँ भाषण कर रहे हैं, गोडसे की नाजायज औलादे हमको सर्टिफिकेट देगी, भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। आज तक पर उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर एंकर ने कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल किया। अपने जवाब में उन्होंने सरकार को घेरना शुरू किया, जिसके बाद भाजपा प्रवक्ता ने उन्हें लगातार टोकना शुरू कर दिया। इसके बाद विपक्षी प्रवक्ता ने भाजपा प्रवक्ता को सुना दिया कि खुद की उत्तर प्रदेश में डबल डोज केवल 12% लोगों को लगी है, केवल 12% लोगों को डबल डोज लगी है। आधी आबादी वाले महाराष्ट्र में 25% को लगी है, एक तिहाई आबादी वाले राजस्थान में 28% को लगी है। इनको बोलिए इनको ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लेना चाहिए, एक सभासद का चुनाव लड़ने की जब औकात है तब दूसरे के चुनाव पर आकर गोला चलेगा ये बात दिया। अरे बर्बाद किया करो, एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह फेंके गए हो, त्रिशंकु बने रहोगे। एक सभासद बनने की औकात हो, चुनाव लड़ने की औकात हो तब मुझसे बात करना, जिगर चाहिए होता चुनाव लड़ने के लिए। तुम्हारी तरह दलाली का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से हम बचेंगे प्लीज। अब मेन मुद्दे पर रहे आचार्य शर्मा जी, अपना सीधे आपके पास आते हैं प्लीज। डिबेट को घर मत लेकर जाइए, डिबेट को घर मत लेकर मत जाइए प्लीज। ठीक है प्लीज, आराम से अपनी बात रखेंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी आप लगाने की जरूरत नहीं है। अगर गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही हो तो ऐसी। न्यूज नेशन पर कश्मीर के मुद्दे पर हुई डिबेट में एंकर ने सवाल गेस्ट विवेक श्रीवास्तव से किया। अपने जवाब में उन्होंने भाजपा सरकार की आलोचना करनी शुरू की, जिसके बाद भाजपा प्रवक्ता ने उन्हें बीच में टोकना शुरू कर दिया और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। सरकार का नुमाइंदा जो यहाँ बैठा है बीजेपी का प्रवक्ता, अगर वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मुसलमान ज्यादा आबादी में एक मोहल्ले में है तो वहां पे हिंदू खतरे में है, ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफी वाली बात है, इमेच्योर बातें हैं, ये नहीं बोलनी चाहिए। यहाँ ये नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ प्रैक्टिकल, मैं तो आपसे ये कह नहीं रहा, लेट अस बी प्रैक्टिकल, बोला प्रैक्टिकल हो जाते हैं इस बात को। उत्तर प्रदेश, अरे छोड़िए ना, हम कंसेप्ट और थ्योरी में जाते नहीं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। मैंने आपको बोला इस्लामोफोबिया, वो असुरक्षा की भावना, वो असुरक्षा की भावना अक्रॉस द कंट्री नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड है, मेरा टाइम है, दुनिया के अंदर है। अरे भैया केवल भारत और बांग्लादेश की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। अरे इस लॉजिक को समझना पड़ेगा, इस खेल को समझना पड़ेगा श्रीवास्तव जी। अरे इनको चुप कराइए तो मैं कंक्लूड करूं यार। सुनिए सर, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, थोड़ा मैच्योरिटी से बोलिए पहली बात। हाँ मुझसे तो लड़ सकते हैं, जब मैं बताऊंगा वहां जाकर चुप करवा के दिखाइएगा, मुझसे तो लड़ सकते हैं। नागरिक है जितना मैं, एक अपर कास्ट हिंदू हूँ, तो आप जो है इस तरह का नैरेटिव ना बनाएं कि वो कोई पी ग्रेड सिटीजन है। न्यूज 18 पर किसान आंदोलन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल भाजपा प्रवक्ता से किया, जिस पर उन्होंने कुछ टिप्पणी की, जिसका किसान नेता ने भी करारा जवाब दिया। आज किसी की हैसियत नहीं है, आज आंदोलन चलाए रखना आपकी मजबूरी है, आपकी इच्छा नहीं है। जरूर जवाब दीजिएगा नेस्ले और पेप्सी पे, जो अंबानी और अडानी के बाप है उनका जवाब दीजिएगा, नेस्ले और पेप्सी पे भी जवाब दीजिएगा। मैं पहले, हाँ सारे, अरे सारे को दे रहे भाई, सारे को दे रहे, सुनो तो सही। अमित जमाई और कश्मीर आ रहा हूं आपके पास। अडवाणी जी कहाँ है? आपके मुरली मनोहर जोशी कौन से कमरे में बंद है? आपके किसान आपके नेता थे ना, जिन्होंने रथ चलाए वो आपने कहाँ बंद कर दिए? जिन्होंने ये भाजपा को लेके आए कोई बोल नहीं सकता ना आपके यहाँ।
आपको जितनी चिट्ठी दी जाती है आप उतना बोलते हैं सुधांशु जी, उससे फालतू आप बोल सकते हो क्या? आपके देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को पीछे से कुचल दे, आपके पास जवाब नहीं होता? देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा, जो गृह राज्य मंत्री 302 का मुलजिम है, वो देश का गृह राज्य मंत्री बनेगा? ये है सरकार। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।